चलिए बच्चों, हम लोगों ने पहली क्लास में फर्स्ट टू पेजेस पढ़े थे द विंग्स ऑफ इकारस का, और अब हम लोग आ गए हैं आगे की स्टोरी पढ़ने के लिए। तो ध्यान से अपने काम पे लग जाइए, शुरू हो जाइए। चलिए रीड करते हैं। सो दे फ्लू ओवर द फील्ड्स एंड हिल्स एंड शेफर्ड्स सॉरी सो दे फ्लू ओवर द So they flew over the fields and hills, and shepherds cried out in amazement to see such a strange sight. Both of them left the island behind and flew over the sea. अब दोनों ने उड़ना शुरू किया और वो उड़ते गए उड़ते गए। रास्ते में जो लोग उन्हें देख रहे थे, जैसा कि इन्होंने कहा कि वो खेतों के ऊपर से पहाड़ भी दिखाई दिए बीच बीच में, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा था। वो समुद्र पर तैर रहे थे, कहीं उनको किनारा जो है वो नज़दीक में नहीं था, नज़र नहीं आ रहा था, है ना। तो वो उड़ रहे थे, तो रास्ते में कई बार जो चरवाहे हैं जो चराते हैं एनिमल्स को, वो लोग अमेजमेंट में यानी हैरानी में जो हैं वो उनको देख रहे थे और हैरान हो रहे थे कि अरे ये तो इंसान कैसे पक्षियों के जैसे उड़ रहे हैं। इकारस वॉज एक्साइटेड एंड हैप्पी, फिर इसको मज़ा आ रहा था। बट सून फीलिंग सेफ ऑन हिज विंग्स ही फ्लू हायर इनटू द एयर। अब उसको मज़ा आने लग गया और उसको क्या हो गया, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया, बहुत उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो बड़े आराम से उड़ रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और वो उसने क्या किया, वो ऊपर की तरफ उड़ने लग गया। ही वॉज कोल्ड एंड व्हेन द सन वॉर्म्ड हिम ही फ्लू स्टिल हायर रिजॉइसिंग द हीट। क्योंकि वो समुद्र के पास था तो वहाँ पे ठंडा था मौसम, जब वो उड़ रहा था उसे ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे वो ऊपर जा रहा था तो सूरज की गर्मी से उसे गर्माहट मिल रही थी और उसे वो गर्मी बहुत पसंद आ रही थी क्योंकि ठंडा मौसम था। तो क्या किया उसने, वो और ऊपर उड़ने लग गया। As he flew too high, the sun began to melt the wax that held the feathers together. अब जैसे ही वो ज़्यादा ऊपर उड़ने लग गया तो उसके पंख जो हैं वो पिघलने लग गए, जो वैक्स था वो पिघलने लग गए और पंख टूटने लग गए। दे बिकेम लूज एंड फ्लोटेड डाउन टू द सी। इकारस बीट हिज आर्म्स अप एंड डाउन इन फियर, बट हिज विंग्स वुड नो लॉन्गर सपोर्ट हिम। अब क्या हुआ, वो बहुत हाथ पैर तो हिला रहा था लेकिन जब पंख उसमें से टूट जाएंगे तो वो कैसे उड़ेगा ना, वो तो चिड़िया नहीं है, उसके नेचुरल पंख हैं और वो तो वैक्स से उसने जोड़ जोड़ करके पंख किसी तरह से लगाए हुए थे, तो वैक्स तो गर्मी से पिघलेगा ही, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हुआ, ये इसके पंख टूटने लग गए और ये डर गया, घबरा गया और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लग गया, पर कोई फ़ायदा नहीं। डाउन ही वेंट एंड एट लास्ट द सी स्वॉलोड हिम, ही ड्राउंड। अब क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया, पंख टूट गए तो वो कैसे उड़ेगा आखिर, वो कोई चिड़िया तो है नहीं, और वो पानी में डूब गया। डीडलस सडनली टर्न्ड टू सी इफ हिज सन वॉज फॉलोइंग हिम, ही कॉल्ड आउट इन फियर, इकारस माय सन वेयर आर यू, बट देयर वॉज नो रिप्लाई। क्या हुआ बच्चों, अब क्या हुआ, बहुत घबरा गया डीडलस। अचानक से उसने सोचा कि मेरे बेटे की कोई आहट नहीं आ रही है, तो पीछे मुड़ करके देखा और उसने देखा कि उसका बच्चा नहीं नज़र आ रहा है, तो उसने वहाँ पे आवाज़ दी अपने बच्चे को, इकारस माय सन वेयर आर यू, कहाँ हो तुम। पर उसे कोई भी आवाज़ नहीं मिली, जवाब नहीं मिला। डीडलस बहुत डर गया, घबरा गया, इन डिस्पेयर, अब दुख में। डीडलस flew down to the water of the sea and there floating in the wave there were ek minute yahan pe na dikhai nahi de raha hai isko main yahan se wapas se padhti hu Didelis turned out to the sea to see whether his son was following him. He called out in fear, Icarus my son where are you, but there was no reply.
इन डिस्पेयर, ठीक है बच्चों, इन डिस्पेयर, अब दुख में डिडेलस फ्लू डाउन टू द वाटर्स ऑफ द सी, नीचे की तरफ आया, एंड देयर फ्लोटिंग ऑन द वेव्स वर फ्लो फेदर्स दैट हैड बीन इन हिज सन्स विंग. तो उसने पानी में क्या देखे, अपने बच्चे के जो पंख थे वो उसने देखे. नाउ डिडेलस न्यू दैट इकेरस हैज ड्राउंड एंड ही क्राइड बिटरली. बहुत वो दुख के साथ, कड़वाहट के साथ वो चिल्लाया, रोने लग गया. इन मेमोरी ऑफ हिज सन ही कॉल्ड द वाटर्स द इकेरियन सी. तो अब जब उसका बेटा गुजर गया तो बहुत बाद में फिर उसने उस नदी समुद्र को क्या नाम दिया, द इकेरियन सी, ठीक है. एंड द टू दिस डे पीपल नो इट बाय द सेम नेम. और आज भी उस जो समुद्र है उसको द इकेरियन सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों. तो ये थी कहानी, बहुत अच्छी कहानी थी. अगर उस बच्चे ने अपने पिताजी के का कहा माना होता, इंस्ट्रक्शंस को सुना होता, तो आज वो जीवित होता, है ना. तो इसीलिए बच्चों मैंने आपको कहा कि आपको हमेशा इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना चाहिए, तब आप खुश रहेंगे और आप कोई गलती भी नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों. तो अपना ध्यान रखें, इस लेसन को पूरी तरह से पढ़ लें, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. टेक केयर, बाय बाय.